सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य का बयान, धर्म और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है भाजपा। जिन्ना हिंदुस्तान का इतिहास है बताया। अलीगढ़ के रामगढ़ कल्याण मार्ग स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व सपा MLC मौजूदा राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर ऋषि चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा की नीतियों से परेशान होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य ने बसपा और भाजपा पर हमला किया। कहा, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी CM द्वारा हाल ही में मथुरा को लेकर दिए बयान और उनके बयान का समर्थन करने वाले राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह समेत पूरी भाजपा के लिए कहा कि इन पर विकास के मुद्दे तो बचे नहीं, बस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। वहीं जिन्ना को हिंदुस्तान का इतिहास बताया। ये कि जब से अखिलेश यादव जी ने ये चुनाव का ऐलान किया है, बिगुल बजाया है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सारे लोग पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, समुद्री रैलियां हो रही हैं, सड़कों पर जो पदयात्रा हो रही है, जो रथ यात्रा चल रही है, विजय रथ यात्रा, वो बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। उसके बाद कह सकते हैं कि पूरे प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। मुद्दा था किसान को लेकर, कृषि कानून मौजूदा सरकार ने कृषि कानून वापस लिए, आप किस मुद्दे पर जवाब दें? देखिए, ये उन्होंने ये शॉर्टकट अपनाते हुए शायद ये भी एक धूल झोंकने का, किसानों की आंखों में धूल झोंकने जैसा किया है कि तुरंत सदन उनको सरेंडर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, समाजवादी उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर महोदय से, कि भाई जब वो बिल लेके आए, किसानों के हित में बिल लेके आए, अगर किसानों के हित में थे तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कराई? पूरा विपक्ष उस बात को उस समय भी डिमांड कर रहा था। पूरा देश जब लॉकडाउन में 5 जून को पूरा लॉकडाउन था, पूरे देश में लोग जान के लाले पड़े हुए थे, घरों में थे, उस समय आप लोग किसानों के हित में ये कानून लेके आए, उस पर चर्चा नहीं कराई और लास्ट तक उसको अच्छा बताते रहे। 700 ज़्यादा किसानों की उसमें शहीद हो गए, तमाम किसानों को हत्याएं हो गई, लखीमपुर इसके लिए उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम आज भी विपक्ष चाहता है कि अगर तुमने वापस भी लिए हैं तो उस पर भी तो चर्चा हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला, पहले दिन ही बोला, जब सर्वदल की बैठक हुई, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग चाहते हैं, चर्चा कराना चाहते हैं, हाउस में आइए, हम आप पे बहस करेंगे और चर्चा सुनेंगे। लेकिन आपने देखा होगा इस कार्रवाई को देखा कि जैसे गए, एक सूत्री उसको लाइन में पढ़ दिया कृषि मंत्री ने, उसके बाद पूरे सर्व बहुमत से उसको पास कर दिया।